मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और सबसे पहले तो आप सभी को हाथ जोड़ कर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए कि आज जो हमारा मैथ मस्ती परिवार है ये बढ़कर हो गया है 4 लाख पार। अभी अभी तो 10 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि 3 लाख हो गया है, और अभी आपका 4 लाख हो गया है। तो ना जाने आप लोग कितना कृपा बनाए हुए हैं मुझ पर, और उस माँ सरस्वती का देन है ऊपर वाले की कृपा की। कभी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, बहुत स्ट्रगल अपने लाइफ में, जिसका वजह है कि आज आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतने तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ना, सब्सक्राइबर गेन करना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे सपने में कभी नहीं आया था, और न मैं ऐसा भी कभी कल्पना कर सकता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, कभी नहीं कर सकता था। तो चलिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आज के क्लास में। मैंने पहले कहा कि आज के क्लास वैसे लोगों के लिए भी है जिनको न पढ़ना है फिर भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाना चाहिए। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। कहते हैं ना कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन है, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, बिना पढ़े हुए बनाना है, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है कि आएगा, आप आंसर कर लो, ठीक है। लेकिन इसे आप लक ही कहोगे कि वही क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर बिना पढ़े हुए हम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों अगर आप पढ़ने वाले हैं तो भी आपके लिए है, आप नहीं पढ़ने वाले हैं तो भी आपके लिए है। हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप भी कर सकते हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ना है तो भी कर सकते हो। सुनिएगा, ऐसे सवाल आप देखो, 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या है ज़रा देखना। यहाँ थीटा थीटा थीटा, यहाँ भी थीटा थीटा थीटा, इसमें देखो ए ए ए, मतलब यहाँ एक्स रहता है, यहाँ एक्स रहता है एक्स, और 3 गो टर्म में होना चाहिए। कैसा रहता है सवाल, 3 टर्म में रहे। जैसे देखिए, एक टर्म ये हो गया, ब्रैकेट लगा हुआ है, एक टर्म फिर एक टर्म, 3 टर्म है ना दोस्तों। इन तीनों सवाल का आंसर एक ही होगा, इस तीनों सवाल का आंसर एक होगा। देख लेना कि 3 गो वैल्यू आपस में गुना में है, देख रहे हैं, पहला टर्म ये, दूसरा और ये तीसरा, 3 गो है ना, इसका आंसर एक आएगा। देखो पहला दूसरा तीसरा, इसका आंसर एक आएगा, पहला दूसरा तीसरा, इसका आंसर एक आएगा। अब हम आपको ये तो बता दिए मुरकटिया मेथड, ये उनके लिए है जिनको नहीं पढ़ना है फिर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। लेकिन मैथ में ऐसे ही तो सब कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सबका इसमें लॉजिक है दोस्तों। तो हम बारी बारी अब सारे सवाल को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि ऐसे सवाल का आंसर कैसे कर सकते हैं। एक तरीका हुआ, इसका 2 तरीका और है बनाने का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए इसी सवाल से हम शुरू करते हैं, ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको याद है 1 प्लस cos ए है, यहाँ 1 माइनस cos ए है, उसको छोड़ दीजिए, cot वाला से ये नहीं मिल रहा है, लेकिन cos वाला तो मिल रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं ना। आपको याद है कि नहीं फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। ए स्क्वायर इन दोनों में एक को ए बोलेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के बदले इतना लिखाया, और ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक।
अब ज़रा देखिए, इसको स्क्वायर हटा दिए तो कोई दिक्कत है? एक का स्क्वायर एक के होता है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। नहीं याद है? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बता दूं, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। ये हम हर वीडियो में आपको बता चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पीछे के वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो नीचे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, और ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री न्यू करके प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ भी सारी वीडियो आप देख सकते हो। ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया। तो अगर हम इसको कॉस को उधर भेजते हैं, तो इधर हमारा साइन स्क्वायर थीटा और उधर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो दोस्तों, इतना को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, वन माइनस क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू ये वन प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ ए है तो यहाँ ए लिखेंगे, थीटा रहता तब थीटा लिखते। अब दोस्तों, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन होता है, उसी तरह साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए भी कितना हो जाएगा? वन ही हो जाएगा। यहाँ भी पावर दो तो यहाँ भी दो, यहाँ एक तो यहाँ एक, यहाँ तीन तो यहाँ तीन, यहाँ चार तो यहाँ चार, तो वन ही होगा, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? वन होता है। तो यहाँ पावर पाँच रहे तो यहाँ भी पाँच रहे तब वन ही होगा, यहाँ सात तो यहाँ भी सात, यहाँ छः तो यहाँ भी छः, तो भी वन होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए। अच्छा, ये टर्म आपको याद है कि नहीं? ये टर्म, ये भी आपको याद होगा, क्योंकि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, तो सी ओ एस ई सी कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन था, आपको याद है? और ये अगर उधर चला जाता है तो ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ना कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यानी कि हम इसीलिए इनके बदले इतना लिखे। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? वन होता है। तो हो गया ना दोस्तों। अब चलिए, तो ये तरीका भी आपने देख लिया। अब देखिए, आपको पता है कि इसका आंसर अगर हमें एग्ज़ाम में मिलेगा तो हम बनाएंगे नहीं, ऐसे सवाल का आंसर हम डायरेक्ट करेंगे। लेकिन चलिए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। दोस्तों, कॉसेक साइन है, इधर सेक कॉस है। अब वैसा तो ये टर्म नहीं है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखो, ये टेन है, कॉट है, ये अलग है। तो हम ऐसा करें कि चेंज करें, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको। तो कॉसेक को वन बाय साइन बोल सकते हैं, साइन थीटा वन बाय साइन थीटा, और माइनस ये है आपका साइन थीटा। याद होगा पीछे फार्मूला, आपने पार्ट वन से नहीं देखा है दोस्तों तो ज़रूर देखिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी कि आप पार्ट वन से देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आप पक्का सीख जाएंगे, चैलेंज है। सुनिएगा, इसको देखिए, जैसे इसको हम कॉसेक को चेंज किए तो कॉस थीटा साइन थीटा वाला फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो इसीलिए हम साइन में लाए तो इसको भी साइन में लाएंगे, सॉरी कॉस में लाएंगे, साइन में है कॉस में रहेगा तो फार्मूला बनेगा हमारा। इसलिए सेक को वन बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे और माइनस ये कॉस थीटा, और इसको देखिए, अब इसको किसी को चेंज कर लीजिए, अब टेन को चेंज करो या कॉट को चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, वन बट्टा हम कॉट ही लिख लेते हैं, ठीक, कॉट थीटा और प्लस ये कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो भिन्न का घटाव कैसे बनेगा, इससे इसमें गुना होगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा हो जाएगा हमारा कितना, साइन थीटा हो गया। अब इनटू इसको क्या कहेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट में गुना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब देखिए, अब बताइए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा कहेगा, नीचे है आपका साइन थीटा। अच्छा, इनटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे, बट्टा में क्या है, कॉस थीटा। अब देखिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कहिएगा, कॉसेक, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सी ओ एस सी सी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या है हमारा, कॉट थीटा। अब दोस्तों एक बात बताना, साइन थीटा से ये आपका
एगो साइन कट जाएगा, एक साइन ऊपर बचा, ठीक है। और यहाँ देखिए कॉस सेक स्क्वायर थीटा है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा, तो ये कट गया, इसमें एक बचा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ इधर बच गया आपका कॉस थीटा इंटू ये बच गया आपका साइन थीटा, और यहाँ बच गया आपका हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी ओ एस सी सी कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ कॉट को हम टैन लिख सकते हैं, ऊपर में टैन, आ टैन को हम बोल सकते हैं साइन बट्टा कॉस, ठीक है दोस्तों। कैसे कॉट को हम टैन लिख सकते हैं, यहाँ कॉट से ना, यहाँ कॉट है वन बाई कॉट है, तो हम यहाँ टैन और टैन को साइन बाई कॉस लिखते। अब बताइए हमारा यहाँ कॉस से कॉस कट जाता, और साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो वन हो जाता, नहीं क्योंकि साइन के पावर दो हो जाता, कॉसेक के पावर दो, गुना में होता तो वन हो जाता, ये हो जाता है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका इसका ये है दोस्तों कि जब भी सवाल आपका साइन कॉस टैन कॉट सब मिला हुआ है, सीधे सवाल केवल साइन और कॉस में रहे तो आप जीरो डिग्री या 90 डिग्री लेकर सवाल बना लो, लेकिन सब मिक्स वाला रहे ना तो आप हमेशा 45 डिग्री लेके बनाना। वो इसलिए कि टैन में जैसे जीरो डिग्री के मान जीरो हो जाता है और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो आप सवाल सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए 45 का मान सबका होता है, पता होता है हमें, इसलिए हम टैन 45 लेके, मतलब टैन 45 नहीं, किसी में भी 45 हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। और साइन कॉस वाला में भी कर सकते हैं, लेकिन जीरो 90 ले लीजिएगा तो आसान रहता है, जैसे साइन 0 डिग्री के मान 0 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन कॉस में सवाल है तो 90 डिग्री मान ले लीजिए और बाकी। लेकिन हाँ, जब केवल यहाँ थीटा 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 सब जगह हो, सब जगह थीटा के जगह एक्स रहता तो भी काम चलता, ये दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे, हाँ तो ऐसा कर सकते हैं। इस बार हम लोग 45 डिग्री लेंगे थीटा के मान, ठीक है, क्योंकि मिक्स वाला सवाल है, तो 45 डिग्री का मान इसका रूट दो होता है और इसका 1/√2 होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए इसका मान रूट दो होता है 45 में और यहाँ कॉस थीटा का हो जाता है 1/√2। अब ये देखिए टैन थीटा और ई वन होगा और उसका भी 1 होगा, 45 का मान। अब आप यहाँ देखो रूट दो में रूट दो से गुना तो दो में से एक गया 1/√2, उसी तरह इसमें भी हो जाएगा, इतना को गुना होगा तो दो में से एक जाएगा, दो में से जाएगा एक, एक बट्टा रूट दो और गुना आएगा एक आ एक दो, 1/√2 गुना होगा 1/2 होगा, क्योंकि रूट दो रूट दो तो रूट चार, चार का वर्गमूल दो और दो से गुना कितना हो गया एक, तो आपका आंसर एक आ गया दोस्तों। ये आपका तीसरा तरीका हो गया, एक तो मैंने इसे मेथड से सॉल्व किया, एक तो हमने आपको थीटा का मान रख के बता दिया, और एक तरीका तो आप पहले ही जानते हैं कि इसका आंसर एक होगा। क्या इस सवाल का आप लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 1 + tan² θ है दोस्तों, 1 + चलिए चाहे तो आप यहाँ पर मान सीधा 45 डिग्री रख के अब बना सकते हैं, क्योंकि tan वाला है, sin वाला है, sin वाला है, तो मिला हुआ है, केवल sin cos में रहेगा तो 90 या 0 लेकर बनाएंगे, इसमें मिला हुआ है तो नहीं ऐसा करेंगे। अब देखिए हम 45 डिग्री लेकर बना सकते हैं। दूसरा अगर इसे प्रोसेस से बनाते हैं तो 1 + tan²θ को हम क्या लिख सकते हैं? sec²θ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते कि नहीं, क्योंकि sec²θ - tan²θ = 1 होता है। आप ही बताइए ये sec²θ = 1 + tan²θ हो गया कि नहीं, तो इतने के बदले हम इतना रख सकते हैं, रख दिया। अब इधर देखो 1 + sin θ, 1 - sin θ क्या हो जाएगा, 1 ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² - b² इतना का स्क्वायर एक ही रहता है ना, तो 1 का स्क्वायर करिए या नहीं, वही बात है, तो a² - b² इसको हम लिख सकते थे। अब 1 - sin²θ क्या होता है? cos²θ होता है, तो ये आपका sec²θ इंटू हो गया cos²θ। अब बताइए cos θ इंटू sec θ कितना होता है? 1 होता है, तो आ गया ना दोस्तों आपका आंसर 1। अब आ जाओ, आप चाहो तो इसमें 45 डिग्री भी मान रख के आप देख सकते हो, यहाँ 45 मान रखोगे तो 1 क्या हो जाएगा? 2 इधर से, ठीक है दोस्तों। थीटा का वैल्यू हम ले रहे हैं 45 डिग्री। अच्छा यहाँ देखो 45 रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, तो 1 + 1/√2 और फिर यहाँ 1 - 1/√2,
आ गया ना वही बात, दो गुना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह लीजिए, तो ए स्क्वायर आ माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन बाई टू ही हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ ये दो गुना एक बट्टा दो कट के कितना हो गया, दो हो गया, सॉरी दो से दो कट जाएगा एक बार में, एक गुना एक एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे कर सकते थे। दोस्तों आज वीडियो हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, मुझे फीवर है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता रहा हूँ, मैं अभी कोई पेड क्लास भी नहीं ले रहा हूँ। और हाँ, जो भी लोग पेड क्लास करना चाह रहे थे तो यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ था इंक्वायरी के लिए, उसमें केवल 100 रुपया प्रति महीना, जो कि प्राइवेट क्लास होता है, मैं कोई कोचिंग पढ़ाता नहीं हूँ, तो जिनको जुड़ना होता है वो जुड़ते हैं। तो जो बहुत विद्यार्थी परेशान थे, मेरा एक फ़ोन खो गया था तो जिसके वजह से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा था, अब मैंने वो नंबर फिर से चालू करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, मुझे थोड़ा फीवर है, मैं दवा खा रहा हूँ, और जैसे ही मैं ठीक होता हूँ तो दो वीडियो अपलोड करूँगा, अभी किसी तरह मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।